आप सबके फेवरेट टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। वेल, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी विराट और सई की बातचीत के साथ, जहां पर हिचकिचाते हुए विराट साहब अपने मन की बात अपनी बीवी अपनी प्यारी सई से कहते हुए झिझकते हुए शर्माते हुए नजर आएंगे। विराट का ये हाल देख कर सनी को एक आइडिया आएगा। वो सोचेगा कि क्यों ना विराट को मैं भांग की पकौड़ी खिला दूं, जिसकी वजह से विराट अपने दिल की बात सई को काफी अच्छे से बता पाए। और वो करता भी ऐसे ही है, विराट को जाकर के पकौड़ियां खिला देता है जिसमें मिली होती है भांग। विराट जैसे ही ये पकौड़ी खाता है वो सई को भी पकौड़ी खिला देता है और ये दोनों नशे से इधर उधर झूमना शुरू कर देते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि ओमकार यहाँ पर निनाद के ग्लास में भांग मिला रहा होता है ठंडाई में, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज तो होली के मज़े वाकई में आ जाएंगे। उधर विराट गलती से पकौड़े खाते खाते मिर्च के पकौड़े खा लेता है और उसे मिर्च लगती है। साई दौड़ कर जाती है और गलती से ओमकार के हाथ से निनाद वाली ठंडाई वो छीन करके विराट को पिला देती है, जिसमें भांग मिली होती है। अब भांग के ऊपर और भांग, विराट का पूरा सर घूमने लगता है और वो सई को खूबसूरत अंदाज में देखते हुए उसके साथ बड़े ही नशीले अंदाज में होली खेलने लगता है। होली खेलते खेलते विराट सई का हाथ पकड़ता है और उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाकर के उसके साथ होली खेलने की कोशिश करता है। दोनों का ये बॉन्ड देखकर पत्रलेखा को भाई बहुत ज़्यादा चलन होती है और वो रोने वाली सिचुएशन में इन दोनों को प्यार भरे अंदाज में होली खेलता देख जलती रहती है। उधर ओमकार दोबारा से निनाद की भांग के जो ठंडाई होगी उसमें मिक्स कर देगा और फिर फाइनली निनाद को पिला देगा। भवानी भी यहाँ पर सोचेगी कि कहीं निनाद ओमकार ने जानबूझ करके ये तो नहीं किया है। तभी वहाँ पर सनी आ जाएगा और उसे निनाद ओमकार के पास जाने से रोक देगा और उसे भी भांग के पकौड़ी खाने के लिए दे देगा। भवानी जैसे ही पकौड़ी खाएगी उसका भी चक्कर खा करके गोल गोल घूमने लगेगा और वो अजीब अजीब हरकतें करके पत्रलेखा को भी वो पकौड़े खाने के लिए फोर्स करेंगी। जैसे ही पकौड़ी पत्रलेखा भी खाने लगती है तभी वहाँ पर निनाद ओमकार आ जाते हैं और ये तीनों आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं और इन तीनों का बिहेवियर देखकर पाखी को कुछ अजीब लगता है। उधर दिखाया जाएगा कि विराट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो चुका होता है। वो सई का हाथ पकड़ता है, उसे अपने दिल की बात बता ही रहा होता है। तभी दूर से अश्विनी देखती है और सनी से टकरा जाती है और कहती है, ये बड़ा क्या चल रहा है। यहाँ पर सनी कहता है कि कुछ नहीं, मेरा दोस्त विराट अपने दिल की फीलिंग्स अपनी सई को बता रहा है। ये सुनकर अश्विनी बहुत खुश होती है और कहती है, हाय बप्पा, सच में इन दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, वगैरह वगैरह। फाइनली यहाँ पर सई से विराट अपने दिल की बात कह देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उधर दिखाया जाएगा कि बरखा की एंट्री होगी आज रात के एपिसोड में और होगी वो बड़े ही शानदार अंदाज में। बरखा एक लावणी डांसर होंगी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होंगी और चवन निवास में हर साल होली का जश्न और भी ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए आती है। जैसे ही बरखा की एंट्री होगी हर कोई उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा उछलने लगेगा। निनाद ओमकार भी दौड़ कर उसके सामने चले जाएंगे। ये देखकर सोनाली बहुत ज़्यादा जलेगी कि ओमकार भी उसके लिए ऐसे भाग रहा है और ये देखकर भवानी उसे समझाने के लिए उसके पास जाएगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बरखा अपनी डांस परफॉर्मेंस शुरू करेगी जिसे हर कोई बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। तभी विराट अचानक से स्टेज पर आ जाएगा और बरखा के साथ डांस करने लगेगा। डांस करते करते विराट को उस बरखा में सई नज़र आएगी और उसके साथ बहुत ही प्यार भरे अंदाज से विराट परफॉर्मेंस देगा। तो वहीं सई को भी विराट के साथ अपने आप को डांस करते हुए देख सई को यकीन नहीं होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विराट और सई यहाँ पर लावणी डांस परफॉर्मेंस आज रात के एपिसोड में देने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। उसके बाद सई को वाकई में रियलाइज होगा, वो असलियत में लौट कर आएगी और कहेगी कि अरे वो तो बरखा है, लेकिन मैं भला विराट सर को इस तरीके से इमेजिन क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे उनसे प्यार हो गया है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में फिर से वही दिखाया जाएगा कि सई और विराट रोमांटिक अंदाज में होली खेलते हैं, जहाँ पर होने वाली है सम्राट की हो सकता है एंट्री और वो कैसे होगी आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।